यार कोई एसी चला दो यार। सही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप बाहर कहीं घूमे नहीं। मोदी जी यार अपने जो हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, प्लीज़ घर में रहो। आपको ये नहीं पता कि आप जाने अनजाने में आप कितना इसको बढ़ावा दे रहे हो। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और बहुत ही डेंजर है। हालांकि अभी जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसके मुकाबले काफ़ी हद तक सेफ है इंडिया और देशों के मुकाबले। मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, मैं गया था, थोड़ा काम से बाहर गया था, इमरजेंसी था इसलिए मुझे जाना पड़ा था। पूरा कर्फ्यू है, कोई बाहर नहीं निकल रहा। और प्लीज़ यार पुलिस वालों का भी आप फुल सपोर्ट करो, आप इस तरह से बाहर मत जाओ। और आज रात 9 बजे का जो मोदी जी ने किया है, 9 आप दिए जलाना, मीन्स के एक सपोर्ट कि आपको खुद को पता चलेगा कि हम देश के लिए या फिर अपने खुद की फैमिली के लिए हम कितना कर रहे हैं। आप चलो ये मत सोचिए कि मैं दूसरों के लिए क्या करूँ, आप खुद के लिए सोचो कि मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर अभी कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद भी ऑलमोस्ट आपको कुछ ना कुछ महीने तो आपको सेफ्टी रखनी ही पड़ेगी। मास्क पहनना ही है, 15-20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, जब तक रहे तब तक आप पहन के रखो। फुल लॉकडाउन है, कोई भी नहीं दिख रहा। अभी मैं जा रहा हूँ एटीएम से थोड़ा विड्रॉ करना है, फिर केमिस्ट्री है, वहाँ से दवा लेके घर। एटीएम बाबूजी आ गए। थोड़ी सुनसान सड़क, कोई नहीं है। यहाँ पर इतनी चहल पहल होती है, बहुत भीड़ होती है शाम के टाइम में, अभी काफ़ी लोग आते हैं। और ये हाल ही में नया मेट्रो बना था, मेट्रो रूट भी बंद है, सब कुछ बंद है। और ये कचरे का डंपिंग यार्ड का ट्रक जा रहा है। सवार सांस यहाँ पे जरूर दे दिए। सवार सांस कितना? 50। अच्छा, पहुंच गया अपनी सोसाइटी में। उम्मीद है कि छोटा सा एक अपडेट है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूले मेरे चैनल को स्विफ्ट राइडर। और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। रहिए, सुरक्षित रहिए, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। बिना वीडियो आएगा क्या?